हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है GRC। और दोस्त, आज अपन बात करने वाले हैं कि कॉलेज लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज का कितना इम्पोर्टेंस है, मार्क्स के पीछे जाना चाहिए या प्रैक्टिकलिटी पे जाना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज को अर्न करना चाहिए, इसके पीछे जाना चाहिए, क्या है हकीकत, क्या है, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरव्यूअर आपके सबसे पहले मार्क्स देखता है या आपकी पर्सनैलिटी देखता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो क्या फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूरी है कि या फिर थ्योरेटिकल एग्जाम क्लियर करके आ जाओगे। प्लेसमेंट में बैठना है, क्या सिनेरियो है, खुद का कुछ स्टार्ट करना है, क्या सिनेरियो है, बात करते हैं इसके बारे में। बात करते हैं, आपने कॉलेज में अपने श्री चरण रखे, फर्स्ट डे आपने कॉलेज में अपने एंटर किया, पढ़ाई देखी भाई, पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे से। अब डिपेंड करते हैं आप कौन से कॉलेज में हो। अगर आप IITs में हो तो वहाँ पर प्रैक्टिकल बहुत गजब का होता है, उनको मैं यहाँ पर कंसिडरेशन में नहीं लूँगा। लेकिन अगर आप NITs में भी हो, मीडियोकर NITs में हो, या फिर आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में हो, डिस्पाइट बिट्स पिलानी वगैरह, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में हो, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल्स को उतना जोर नहीं दिया जाता। अब मैं बात करता हूँ क्या सिनेरियो है। देखो, 10 में से आप अपना CPI अगर 7.5 के ऊपर रखे हो, देन वो सारे स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट हैं। यस, 9.5 या 9 के ऊपर CPI वाले स्टूडेंट थोड़े, उनको ज़्यादा रेट किया जाता है, उसके पीछे भी मैं कमाल की बात बताता हूँ। और 7.5 से 9 तक के बीच के सारे स्टूडेंट्स एक बराबर ही है। आपको कोशिश करनी है, अगर आप मान लो मैं कंप्यूटर साइंस के हो, फिर तो आपके लिए दुनिया ही छोटी है सीखने के लिए। आज के डेट में इतना कुछ कंप्यूटर साइंस के लिए, कमाल की बात है, लेबोरेटरी भी नहीं चाहिए, छोटा सा 4x4 10x10 का कमरा चाहिए, समझ रहे हो, बस इतनी सी बात, 4 फीट बाय 4 फीट का कमरा चाहिए, बैठ के कोडिंग वोडिंग, कोडिंग तो सबको पता है यार, कोडिंग की बात नहीं, इतना कुछ उसमें सीखने के लिए। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की इतनी ज़रूरत है आज के डेट में। बैंक्स वगैरह सारे वेबसाइट्स इतने वल्नरेबल है, किसी को भी कभी भी कुछ भी तरह मामूली सा फिशिंग अटैक होता है तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस में तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो अपार, और मानो इंटर्नशिप्स आपको आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे ही मिलेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि CPI अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह ब्रांच से हो तो एक CPI डिसेंट मेंटेन करो, 7.5 वगैरह के ऊपर, उसके बाद आपका प्लेसमेंट हो ही जाना है। और CS एक ऐसा ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पर डिपेंड करता है। अब जितना प्रैक्टिकलिटी पे नॉलेज है, उतना घर बैठे बैठे महीने का 4 से 5 लाख आराम से कमा सकते हो, आराम से। ये हुआ CS और IT, सिमिलरली गोज फॉर द IT ब्रांच। अब बात करते हैं मैकेनिकल का क्या हाल है। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स यहाँ पर काफ़ी कम है अभी, आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ही भागना पड़ेगा, उसके लिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। अब इसमें स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम देना ही है तो काहे का नाच गाने में ले, काहे का डिबेट कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, पर्सनैलिटी डेवलप तो करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर ही तो बस देना है, ठीक है, पेपर देकर चलो निकाल लिए। उसके बाद पता है जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, आप किनको डील करोगे, आप इंजीनियर हो एक, आप ITI डिप्लोमा ये सब वाले को, पॉलिटेक्निक वाले को गाइड करोगे, और आपको पता है क्या, उनके पास आपसे कई ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है, और उनके सामने आपका सर झुक जाएगा उनके सामने, जब वो पूछेंगे ना, सर ये जो डायग्राम आपने बनाया, जैसे आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो ड्राइंग शीट पे अपन सारे बनाते हैं, या फिर मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट है मशीन ड्राइंग, जिसमें हम नट्स बोल्ट्स वगैरह उनके डिज़ाइन पैरामीटर्स लेके बनाते हो, जैसे बोल्ट का जो जो लंबा सा पार्ट रहता है, अब नट बोल्ट के बीच में डिफरेंस नहीं पता लोगों को, स्क्रू नट बोल्ट, तो ये मैकेनिकल वालों के लिए है, इन जनरल लोगों को ये नहीं सोचते। तो मैं नॉर्मल सा बता रहा हूँ कि बोल्ट क्या रहता है, एक सिर रहता है, लंबा सा पार्ट रहता है, तो लंबा सा पार्ट का जो डायमीटर है उसको बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर। अब ये नॉमिनल डायमीटर के बेसिस पे सारी कैलकुलेशन होती है, जैसे D2D+3, या यहाँ पे डी, या 0.8D, 0.4D से लेके आर का काटना, ये सब प्रैक्टिकल आपने, चलो थ्योरेटिकली तो आपको मालूम है, आपने बहुत अच्छा बनाया है। जब आपको ITI वाला पूछेगा सर मटेरियल सिलेक्शन कैसे करना है, सर ये मटेरियल तो यहाँ पर फेल हो जा रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव जो प्रेशर है इसको, स्ट्रेस जो है उसको नहीं झेल पा रहा है ये मटेरियल, या फिर ये जो स्टड है, जैसे नट बोल्ट स्टड होता है एक, तो वो स्टड यहाँ पर फिट नहीं हो पा रहा है सर, तो कैसे करें, बहुत टाइप के स्क्रूज होते हैं। तो जब वो ओरली आपसे पूछेगा ना, और आपकी आंखों में देखेगा जवाब की तलाश में, तब बहुत शर्मिंदगी लगेगी, और तब, और ये तो तब लगेगी जब आप, और ये कब ज़्यादा लगेगी, आप PSU में जब जाओगे ना, गेट स्कोर अच्छा सा क्रैक करके, ऑल इंडिया रैंक 300, ऑल इंडिया रैंक 400 लेके जब जाओगे ना, और जब ये सब नहीं बनेगा ना, बहुत शर्मिंदगी लगेगी। यस, आप सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो, लेकिन क्यों ना 4 साल जब पढ़ रहे हैं उसके साथ सीखना, ये ज़्यादा बेटर है ना किसके कंपेयर में, कि इंडस्ट्री में जाके हाथ पैर मारना और अपने जूनियर से पूछना।
कॉल करके किसी और से पूछना। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी यही है। एक बेसिक डिसेंट मार्क्स आपको स्कोर करना है। मैंने हर समय कहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करो, दैट्स इनफ। या तो आप बहुत बड़े टॉपर रहो, बहुत बड़े टॉपर कि आपको मुंह खोलने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करो और प्रैक्टिकल नॉलेज में फाड़ हो जाओ। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम लोग रखते हैं, चाहे वो एमबीए का, और एमबीए की तो बात ही छोड़ दो, एमबीए तो मजाक हो गया है। एमटेक के लिए देख लो कि क्या है, आईआईटी है, उसके अलावा जो एनआईटी है उसको भी कोई नहीं पूछता। एमबीए के लिए क्या है, इतने सारे आईआईएम है, इतने सारे 20 स्कूल है, अलग से 50-20 स्कूल खोल दिए, टॉप 20 स्कूल्स, टॉप 20 स्कूल 20-30 अलग, और मीडियोकर 20 स्कूल, बिजनेस स्कूल 20-30 अलग, और बिलो एवरेज 20 स्कूल्स तो छोड़ ही दो, गंगा पार है वो, है ना, 100 बिजनेस स्कूल अलग। तो एमबीए वाला एटीट्यूड ही नहीं है लोगों में। इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग वाला एटीट्यूड नहीं है। मैं हर समय एटीट्यूड की बात करता हूँ यार, माइंड सेट की बात। तो प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। मान लो आप एमबीए का ही आपने ये होता है क्या, मैं बताऊँ, आपने चलो कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच में किया अपने पढ़ाई, उसके बाद एमबीए में गए आप। एमबीए दो चीज़ होती है, या तो कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, वहाँ पर आप एचआर से मिलोगे कंपनी के लिए, या फिर आप एमबीए में जाते हो तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे फिर प्लेसमेंट की बारी आती है 2 साल बाद। एचआर अगर आपके ही मैकेनिकल ब्रांच का निकल गया, मैकेनिकल मीन्स आप इंजीनियरिंग ब्रांच का, मैं मैकेनिकल का, तो मेरे मुंह से मैकेनिकल निकल जाता है, ऑलवेज इग्नोर दैट, इंजीनियरिंग ही मान के चलो। और अगर उसने आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया, अब ये मत सोचना कि मैनेजमेंट का बंदा है तो सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, नहीं बाबा, वो बहुत दुनिया देख चुका है, वो सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा। कि यंग्स मॉड्यूलर छोड़ो यार, अब बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा। क्या बोलोगे, जैसे क्या पूछेगा पता है, आप अभी इस रूम में खड़े हो ना, आपने बहुत थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, बहुत टर्बो मशीनरी पढ़ा है, क्वेश्चन पूछेगा अभी इस रूम में खड़े हो तो यहाँ पे जो वाटर वेपर्स है या फिर यहाँ पर स्टीम है वो किस कंडीशन में, यहाँ पर हवा में तो नमी है या मॉइस्चर है, जो भी है, तो यहाँ पर जो वेपर है वो कौन से स्टेट में है, सबकूल्ड स्टेट में है या वेट स्टेट में है या सुपर हीटेड स्टेट में है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे सर ने पूछा था और मेरी बोलती बंद हो गई थी, मैं सोच ही नहीं पा रहा था। 10 मिनट तक मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, 10 मिनट उन्होंने मुझे समय दिया डिफरेंस समझाने में। इसका जवाब है आपके पास, है तो नीचे कॉमेंट में बताना। जो भी आप कंट्री में रहते हो, अभी वहाँ पर जो एयर है, वहाँ पर जो एयर है, वहाँ पर जो एयर एनवायरमेंट में, तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर वाटर वेपर है वो कौन से स्टेट में है, सब कूल्ड है, सब कूल्ड होता तो पानी दिखता, खैर वो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वेट वेट है कि सुपर हीटेड है, क्या कौन से जोन में, कभी सोचे भी नहीं होगा, मैं भी नहीं सोचता। तो ये माइंडसेट चाहिए, ये प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ये हमारे दिमाग में नहीं घुसता यार। अब बोलते हैं इंजीनियरिंग खराब है, अनंत स्कोप है इंजीनियरिंग से अच्छा कुछ नहीं है, चुपचाप शांत रह के आप अपना काम कर सकते हो। सम्मान की बात तो मैं करता ही नहीं, सम्मान तो आप जो काम करोगे उसमें सम्मान है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा लोग डिस्टर्ब करने वाले नहीं मिलेंगे, जैसे आपको मैनेजमेंट में लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा नहीं है। ये कुछ हाल है, ये कुछ इंसाइट्स है जो मैं आपको बताने का सोचता हूँ, और आज फाइनली मौका मिला कि मैं आपको बता पाया। बस दोस्त, इस वीडियो में इतना ही, कोई भी डाउट हो, क्वेरीज होनी चाहिए कमेंट में करके पूछ लेना, नहीं पूछोगे तब भी मेरा कुछ नहीं जाता, आप ही का लॉस है, इसलिए यार फटाफट से पूछो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब टोटली आपके ऊपर है, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, लेकिन कर दोगे तो हमारा चैनल बहुत बड़ा होगा, बहुत आगे तक जाना है यार, अब बहुत कुछ करना है। बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ध्यान रखो, मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में।